हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कितना भी हाई लेवल पे चले जाओगे, ये टर्म्स अगर आपको मालूम नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी भी चीज, किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का, जैसे एबीसीडी होता है ना, वैसे समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का ये एबीसीडी है। और इलेक्ट्रिसिटी की एबीसीडी में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, रियलिटी ये भी है। तो ये टर्म्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के एबीसीडी है। आगे कितने भी किसी भी लेवल पे आपको पढ़ना होगा, जेई एडवांस, ठीक है, आपको नीट, कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ने के लिए ये एबीसीडी जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग अभी रियलिटी क्या है, हिस्ट्री अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो जस्ट एक तरीके से रबिंग के वजह से चालू हुआ था। जस्ट क्या काम करते थे, अंबर को रगड़ते थे भाई। और जैसे आप लोग देखोगे, आपने क्या पेन को रगड़ते थे, पेन को रगड़ कर छोटे छोटे क्या काम करते थे, कागज के टुकड़े को उठाते थे। जस्ट उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट हुई तो एक तरीके से जस्ट मैजिक और जादू दिखाने की तरह वो स्टार्ट हुआ। कुछ कुछ करते 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 बाद में पता चला कि वो जो हो रहा था सब कुछ, वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। जितनी सी हरकत हो रही थी, ये सब इसके पीछे एक चीज था, वो था इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो कहानी है वो तो एंशिएंट ग्रीक से, और जो लगातार एक्सपेरिमेंट चालू हुआ वो लगभग 18th सेंचुरी से चालू हुआ, और 20th सेंचुरी में ये पता चला, मतलब 200 साल में पता चला कि वो क्या चीज था, रियल में होता इलेक्ट्रॉन था। लेकिन हम लोग, आप सब, आप जान गए हो कि दुनिया का कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया का कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, वो है एटम। और एटम के अंदर क्या होते भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जे जे थॉमसन ने बताया, वो एक्सपेरिमेंटली, चैडविक, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि एटम का शेप कैसा होगा, इनके अंदर होता क्या है भाई, अंदर क्या होता है। तो अंदर के पार्ट को न्यूक्लियस बोला, जिसके अंदर क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में, बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बट नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बॉन्डेड होता है, ठीक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। चाहे वो मेटल लिया जाए, चाहे नॉन मेटल लिया जाए, दुनिया का कोई भी चीज हो, वो एटम से मिलकर बना है, उसके मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है। अब सवाल ये है कि एटम, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि एटम क्या है भाई, तो एटम जो दुनिया का सबसे, किसी भी चीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है, और उसी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। सारा खेल जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गया कि दुनिया का किसी भी छोटे पार्टिकल, कोई किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। सवाल ये है कि ये तो फिर चार्ज क्या होता है। देखो, एक एक टर्म बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, तो मैंने बोला कि चार्ज क्या है भाई, जस्ट किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस से, किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, दैट इज नथिंग बट चार्ज। तो चार्ज इज नथिंग बट एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। कोई बोले व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या होता है भाई, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को ही चार्ज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तब भी वो क्या कहलाएगा भाई, चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, दैट इज ऑल्सो चार्ज। अब मैं बताऊं तो ये आपको सिंपल समझ में आए भाई कि चार्ज इज नथिंग बट एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, एंड चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, चार्ज। अब यहां पे
आपको यह समझने के लिए बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करना होगा। देखो ये आपने एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से किया होगा, आपने ये सुना होगा कि ग्लास रॉड को अगर फर से रगड़ा जाए या सिल्क से, ग्लास रॉड लिया जाए ठीक है, उसको सिल्क कपड़े से रगड़ो, उसके बाद देखोगे कि वो चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर देखा जाए कि भाई इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, ग्लास रॉड को लेना है और उसको सिल्क कपड़े से या फर से रगड़ना है, और दूसरा क्या है, एबनॉइड रॉड यानी पीवीसी राइट जो है रॉड को, पीवीसी यानी जिससे वायरिंग की जाती है, उसको लो और उसको ऊल से रगड़ो। अब फिर क्या देखोगे, जब ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रगड़ोगे, सिल्क कपड़े से रगड़ोगे या फर से, तो होगा क्या, ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ग्लास क्या हो जाएगा भाई, ग्लास यहां पर, ग्लास जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड किस क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बताता हूं। एबनॉइड रॉड यानी पीवीसी रॉड को अगर ऊल से रगड़ा जाए तो जो पीवीसी रॉड होता है यानी एबनॉइड रॉड, ये पीवीसी रॉड जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब कैसे कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, देखो जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा गया तो जो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क के कंपेयर में, सिल्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके कंपेयर में ये स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता, इनके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं ग्लास रॉड के अंदर, और सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हालांकि दोनों के दोनों इंसुलेटर है, लेकिन कोई भी चीज हो दुनिया का उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है, मैंने पहले बताया। तो जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो जो सिल्क का इलेक्ट्रॉन है, जो सिल्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वो मजबूत है ग्लास के कंपेयर में, इसलिए सिल्क क्या काम करता है, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कहीं से नेगेटिविटी हटाओगे तो वहां पे क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिविटी, इसलिए ग्लास रॉड क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो खो देना मतलब पॉजिटिव, किसी नेगेटिविटी को हटाओगे तो वहां पर आएगा, वहां पर क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल जाता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन एबनॉइड रॉड के केस में और ऊल के केस में, एबनॉइड रॉड ज्यादा, एबनॉइड रॉड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड होते हैं ठीक है, उनकी बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है ऊल के कंपेयर में। तो यह क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ऊल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है और ये उनके इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो निकालना और यहां पे क्या होता है भाई, देना, डोनेटिंग। तो एबनॉइड रॉड क्या काम करता है, ऊल के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ले लेना मतलब भाई एडिशन हुआ ना, यहां पे एडिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, तो रिमूवल हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन एबनॉइड रॉड ले लेता है और ले लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक नेगेटिव पार्टिकल है जो क्या काम करता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है जो आउटर शेल में घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑलरेडी, और नेगेटिव और इसको दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो पीवीसी रॉड नेगेटिव होता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक किया गया, इनको रगड़ा और इसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अब एबनॉइड रॉड मान लो, ये एबनॉइड रॉड है, एबनॉइड रॉड कैसे होता है, जस्ट यही समझ लो भाई, ये पीवीसी जो रॉड होता है, और कोई ग्लास रॉड जैसे आपने पेन फर से रगड़ते थे पेन, तो पेन ग्लास रॉड हो गया, और उसको फर से रगड़ोगे तो पेन क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसके वजह से छोटे छोटे पार्टिकल को उठा लेता है वो ठीक है। अब क्या करो, ये ग्लास रॉड को और पीवीसी रॉड को थोड़ा करीब लेके आओ, तो जब करीब लेके आओगे तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके अंदर आपस में। तो इसके वजह से पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, कहीं ना कहीं ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तभी ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो इनका नाम, इनको क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। लेकिन ये सब जो भी हो रहे थे वो सब इलेक्ट्रॉन एक जगह से फिक्स था दूसरी जगह पर, क्या हो रहा था, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर फिक्स हो जा रहा था। मतलब एक तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगा इन सब की वजह से वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है बेटा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इनर्शिया में हो, इलेक्ट्रॉन क्या काम करे, जस्ट मूव कंटिन्यू ना करे, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, फिर कहीं से रेस्ट में रहे हमेशा, जस्ट एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर फिक्स हुआ, फिर से वहां पर रेस्ट में, एक जगह से दूसरी जगह गया वहां पर रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल जस्ट जाकर रेस्ट पे हो जाए तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज एट रेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, दो तरीके से होगी, एक होगा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका रहना, और एक तरीके से हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, चल रहा हो, या हम लोग इसका सिंपल नाम देते हैं, इसका सिंपल नाम दे देंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक मतलब चलने वाला, इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाएगा कंटिन्यू फॉर्म में, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और उसको हम लोग किसी ना किसी मेटल के अंदर ही देख सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन, यानी इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इंसुलेटर के अंदर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, लेकिन किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, ठीक है। यह बात आपको क्लियर हो गई कि चार्ज जो है दो तरीके से होते हैं, ये या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो आपको समझ में ही आया, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसको हम लोग एबोनॉइड रॉड, एन से याद रखना नेगेटिव, ऐसे कभी भी भूलोगे नहीं, और एस से मतलब याद रखना पॉजिटिव, एस आ रहा ना पॉजिटिव में, पीओ एस आई, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, नेगेटिविटी को हटाओगे तो बचेगा क्या भाई, पॉजिटिव। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं भी एडिशन करना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी आप बोल सकते हो कि चार्ज जो है वो दो तरीके से होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर टू क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरीके से होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। अब यहां पे समझ में आ गया भाई कि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही एक्सपेरिमेंट समझ लो क्या है, एंशियंट ग्रीक लोग या कुछ पहले जब इलेक्ट्रिसिटी जब शुरुआत में आई है, शुरुआती दौर में, तो लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते थे। उनको ये नहीं मालूम होता ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उनको ये नहीं मालूम था, बस उसकी जो एक्टिविटी जो एक्शन होता था उसकी वजह से, काम जो होता था उसी से वो एक तरीके से इंटरेस्ट लेते थे, एक तरीके से उसी से एक इंजॉय करते थे अपने लाइफ में, लेकिन मालूम नहीं रहता था क्या वजह है। यहां पे तो आपको कॉज बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज को हटा दोगे तो पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव चार्ज को और जोड़ दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एक तरीके से एडिशन और रिमूवल, ये दोनों एक तरीके से क्या है, चार्ज है। अब चार्ज का मतलब, कभी कोई बोले चार्ज हो रहा है, चार्ज होने का मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या ऐड होना, बोथ आर कॉल्ड चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव किए जाए या फिर उनको ऐड किए जाए, बोथ आर कॉल्ड चार्ज, ठीक है। और मैंने ये एग्जांपल दिया बहुत आसानी से, ये आप एक्सपेरिमेंट 8th क्लास में करते थे, और आप खुद कर सकते हो, पेन ले लो और अपना खुद का हेयर ले लो और उससे रगड़ोगे तो वही जो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल कोई बोले तो पीवीसी जो जिससे वायरिंग करते हैं ना, वो वाला पाइप, और उसको क्या, उल से, इसी से लोगे उल से, ठीक है, ये तो कॉटन है, उल से लोगे और उसके बाद देखोगे वो चार्ज हो जा रहा है।
तो उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए। ओके, मैंने यह भी बता दिया भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर जैम हो जा रहे हैं, जस्ट अपनी बॉन्डिंग को नहीं खो रहे, तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे रेस्ट में है। तो किसी भी इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही होता है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर नॉन कंडक्टर का जो डिवीजन दिया गया था वो किसने दिया था, जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो है साइंटिस्ट थे ग्रे करके, ठीक है, ग्रे करके थे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ये जो है इसका डिवीजन दिया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, दो डिवीजन दिया था। ओके, अब यहां पर जो है आपको समझ में आ गया चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया भाई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये सब है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब सवाल ये है, दूसरा आ गया भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली बात ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अभी मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी चीज दुनिया का लिया जाए, कोई भी मेटल लिया जाए, किसी भी तरीके का मेटल लिया जाए, मेटल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए इसको मिटा दो, तो दुनिया का कोई भी मेटल लिया जाए, मेटल रॉड, मान लो कॉपर ले लिया जाए, ठीक है, कॉपर ले लिया जाए, ये कोई कॉपर रॉड है और यहां पर जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं पूरे, लेकिन क्या कभी कॉपर रॉड को ऐसे टच किया जाए तो क्या उनके अंदर आपको शॉक मिलेगा, क्या झटका मिलेगा? कॉपर रॉड की वजह से कभी झटका आपको मिल सकता है क्या? कभी करंट लग जाएगा क्या आपको? कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन उनको चलने की कैपेबिलिटी नहीं होती कि चलने लगे। अगर ऐसा होता तब तो किसी भी मेटल का क्या है, मेटल को आप टच करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका लगता, मर जाते फिर। थैंक्स टू गॉड यार कि क्या क्या कुदरत ने जो भी मेटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को तो फ्री किया, लेकिन चलने की इजाजत नहीं दी। चलने की इजाजत क्या किया भाई, चलने का जो पावर है, चलाने का पावर वो हमारे हाथ में दे दिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने जो सेल का इजाद किया, सेल का इजाद वो भी गैल्वेनी के चक्कर में। गैल्वेनी क्या है, उन्होंने बोला कि एनिमल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा बोले कि नहीं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाएगी, आपकी बात पूरी सही नहीं हो सकती है, मैं नहीं मानता। और उन्होंने क्या किया भाई, कॉपर प्लेट लिया और उसके ऊपर डायल्यूट एसिड लिया और ऐसे करते 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 पाइल्स बना दिया, जिसकी वजह से सेल का इजाद हुआ। तो सेल जो है वो क्या काम करता है, जस्ट सेल हो या बैटरी हो, वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लूड है, उनके अंदर स्लोप बना देता है। अब ये नहीं स्लोप बोलता हूं मैं, देखो मैं इसका एग्जाम्पल आप सिंपल अगर समझो ना, कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे भाई करंट मतलब धारा, एक तरीके से धारा, ठीक है, धारा कैसे बहता है, जब पानी का स्लोप, पानी के अंदर जब स्लोप डेवलप हो जाएगा तब ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, पानी बहने लगेगा। पानी अगर बराबर हो किसी सरफेस पे, अगर पानी बराबर लिया जाए तो कभी भी वो फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करने के लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है, हाइट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जब डेवलप कर दोगे, एक ज्यादा हाइट पर प्रेशर ज्यादा होता है और कम हाइट पर प्रेशर कम होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, पानी बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन भी एक फ्लूड है, एक पार्टिकल है भाई, लेकिन ये ऐसे वायर को ऐसे कर देने से नहीं फ्लो करने लगेगा, इसका दूसरा ही सिस्टम है, क्योंकि वो एटम के अंदर है, वो ऐसे करने से फ्लो नहीं करता है, ठीक है। वो क्या है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, वो क्या काम करना पड़ेगा, उसको पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। यानी वायर ऐसे ही रखो लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस दे दो। पोटेंशियल क्या होता भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड
टू पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वर्क जो है वहां पे उसका वर्क का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो डिफरेंस दिया जाएगा जिसके अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये जो सेल है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. तो वो फोर्स जो क्या काम करे, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस से जाने तक जाने के लिए, उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये ना समझना कि पानी की तरह स्लोप कर दोगे और इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा. इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा, अलग अलग पोटेंशियल मतलब, या इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, चार्ज का डिफरेंस करना पड़ेगा. मान लो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कर दो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो एक तरफ ज्यादा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव वाला और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा, नेगेटिव वाला दौड़ने लगेगा पॉजिटिव की तरफ, और जिसके वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा. और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ गया ना, तो उसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसका पानी की तरह है भाई, हाई से लो की तरफ जैसे पानी फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, ज्यादा हाइट से कम की तरफ, वैसे डिक्टो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है. इसी इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग करंट बोलते हैं. तो वी कैन से व्हाट इज करंट, यहां पे सवाल आ गया यार. मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बता दिया कि स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्यों चलता है, मैंने आपको समझाया भाई, पानी का एग्जांपल दे दिया. ठीक है, हीट भी वैसे ही होता है, हाई से लो की तरफ हीट भी फ्लो करता है भाई, हीट भी हाई से लो की तरफ फ्लो करता है. कहीं बहुत ज्यादा गर्म है और कहीं बहुत ज्यादा, एक इंसान बहुत ज्यादा गर्म है और एक इंसान आएगा वहां गर्म जगह पर आए ठंडे से, तो फिर क्या होगा भाई, जो हाई वाला हीट है वो ठंडे वाले पे जाएगा, ज्यादा गर्म वाला ठीक है पार्टिकल ठंडे वाले पार्टिकल से टकराएगा और जो ठंडा था वो भी गर्म हो जाएगा. तो ये क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसी तरीके से एग्जांपल है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कब इलेक्ट्रॉन चलना चलेगा, तो उसी का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है. तो चलेगा क्यों, तो चलेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस देने से. एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ भागने लगेगा, तो वो उसी का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा. अब मैंने भाई बोला कि करंट फिर क्या है, तो आप बोले भाई कि करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, सिंपल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. तो करंट का नाम, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही, दैट इज कॉल्ड करंट यार, सिंपल. अब यहां पे अगर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैंने बोला करंट क्या है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. तो करंट के चलने को ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन के चलने को ही हम करंट बोलेंगे. और चलेगा क्यों, मैंने एग्जांपल बताया, उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ करना पड़ेगा एक तरफ नेगेटिव, ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगा, और जब भागना शुरू करेगा उसी का नाम करंट है. तो करंट ऐसे नहीं डेवलप होगा, उसके लिए आपको क्या काम करने पड़ेगा, सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तो उसी का नाम है करंट. ये क्लियर हुआ. अब इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, कभी भी जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर ही तो डायरेक्शन होगी. अरे यार, इलेक्ट्रॉन की जिधर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन ये हमेशा नेगेटिव से कहां पर भागेगा, पॉजिटिव से. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हुई भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव ना. तो कोई बोले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है रियल में, ये रियल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर ही उसकी डायरेक्शन है. तो नॉन कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अभी रिसर्च से पता चला भाई, जब 20th सेंचुरी में जब जे थॉमसन आए तो उन्होंने बोला कि जो चल रहा था चीज, जो चल रही थी वो तो इलेक्ट्रॉन था,
और तो जो इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा वो तो नेगेटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा पॉजिटिव की तरफ ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मान लो इधर नेगेटिव चार्ज एक तरीके से जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसे बोल दो सिंपल, नेगेटिव चार्ज हमेशा जाएगा किधर भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये रियल में नेगेटिव, अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट यहां पे सवाल है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च किया गया ना, ये समझ लो 100 साल भी नहीं हुए, जे जे थॉमसन ने किया, वो भी 20th century में, 20वीं सदी में। और इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला चल रहा है पूरा रिसर्च, वो 18वीं सदी 18th century से चल रहा था। तो उस जमाने में लोग पानी का कंपेयर करके इलेक्ट्रिसिटी को बता दिए कि हाई से लो की तरफ, तो लोग ये समझे कि हाई का मतलब पॉजिटिव और लो का मतलब नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हाई मान लिए और नेगेटिव चार्ज को लो मान लिए। तो कन्वेंशनली क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये ट्रेडिशनल है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था तब जब इंसान है हमेशा पॉजिटिव को बड़ा चीज समझता था ना, मतलब हाई, और नेगेटिव को लो, तो क्या बोलते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो रियल में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता है यार, ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बाद में, ये बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई है, 200 साल बाद। इसकी वजह से उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और यहां पे डायरेक्शन उसका दिखा देते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन रियलिटी ये है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसी को करंट बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो रियल में अगर देखा जाए सच्चाई ये कि नेगेटिव जिधर होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और जो पॉजिटिव होगा वो लो पोटेंशियल होगा, हाई से लो की तरफ भागना, ये नॉन कन्वेंशनल है जो 20th century के बाद पता चला। लेकिन इनकी इज्जत देने की वजह से, इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है 200 साल, इसकी वजह से हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये रॉन्ग है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। तो करंट की डायरेक्शन दो होती है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, मतलब भाई ये रियल में जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को बताया कि यही चलता है और इसी का चलने का नाम करंट है, तो रियल में करंट की डायरेक्शन नॉन कन्वेंशनली देखा जाए, नॉन कन्वेंशनल के एतबार से तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल से देखा जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? तो मैंने आपको बता दिया भाई कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन चलने को हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन दो तरीके से होती है, मैंने क्लियर कट कर दिया। तो अक्सर बुक में नजर आता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमेशा कभी भी कोई सर्किट बनाते हैं, मान लो इधर बल्ब बना दिया जाए, तो कभी भी जो सर्किट बनाते हैं यहां पे बैटरी बनाते हैं, तो कभी भी ये करते हैं कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन भागता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जाता है किधर भाई, नेगेटिव की तरफ। लेकिन रियलिटी ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन आप इस पर कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझो कि रियलिटी क्या है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है नेगेटिव की तरफ, बल्कि ये हमारा ये जो बड़ा वाला लाइन होता है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन रियल में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बस मेरा कहने का मतलब ये था। ओके, अब आ गया भाई पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से अमाउंट ऑफ, एक तरीके से वर्क है। पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एक वर्क है। हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब किसी भी बॉटल के अंदर मान लो क्या है, इसका मास है, इसकी हाइट की वजह से इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, ज्यादा हाइट कर दो कि ज्यादा एनर्जी है, और जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसको छोड़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एक तरीके से क्या है भाई, कैपेबिलिटी है। पोटेंशियल एक कैपेबिलिटी है जो क्या काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो पोटेंशियल क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो वर्क जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पर पुश किया जा सके, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क बाय विच अ पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो कितना होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलने लगे एक जगह से दूसरे जगह, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। सो द अमाउंट ऑफ वर्क बाय विच अ पॉजिटिव चार्ज और वी कैन से एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और वी कैन से द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन वर्क, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश एन इलेक्ट्रॉन टू डिस्प्लेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या करने, किसकी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या काम करता है, उसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर देता है, और ज्यादा वाला कम की तरफ भागने लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगेगा, और उसकी भागने को करंट बोलेंगे। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना तेजी से भागेगा, उसके मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में उतना ज्यादा भागेगा। मतलब एक बैटरी एक सेल लगाया जाए तो कम डिफरेंस डेवलप होगा, दो सेल एक बड़ी सी ह्यूज बैटरी अगर डेवलप की जाए, एक ह्यूज बैटरी लगा दी जाए एक वायर के अंदर, बहुत बड़ी बैटरी यहां पे लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पे बैटरी बहुत बड़ा लगा दिया जाए मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बैटरी से डिनोट करते हैं। मतलब ये छोटा सा जो छोटा वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव और ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव और ज्यादा लगा दोगे ये सेल से ज्यादा, तो मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो अगर बैटरी लगा दिया जाएगा तो ज्यादा बड़ी बैटरी होगी तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप होगा, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है भाई करंट ज्यादा भागेगी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को ओम्स ने बोला था। सोचो ये जो सच्चाई है इसको किसने बोला था, ओम्स ने। तो ओम ने क्या बोला कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट आराम से और ज्यादा बढ़ेगा। कितना सिंपल है ये चैप्टर, अंदाजा लगाओ, जस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड। ठीक है, एक बात समझ में आएगी दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आएगी, एक नहीं समझ में आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूं पहले आप ध्यान से देखो, बाद में इसका मैं फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, डिक टू एक एक चीज पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, पहले मैं टर्म्स बता रहा हूं क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होंगे, उसके बाद फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अभी क्या है भाई, जो है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोला कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। इसका मतलब होता है करंट, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कभी भी जब इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको चेंज करोगे तो ये भी कंटिन्यू उसी तरीके से चेंज होगा। मतलब अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। सो वी कैन से पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी एंड करंट इज डिनोटेड बाय आई, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, लेकिन सवाल ये है बेटा कि एक काम करो, चलो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं, एक कॉपर वायर लिया जाए, ठीक है, कॉपर वायर से वायर लिया जाए और इससे जो है हमारा समझ लो एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी लगा दी जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव, और मानते भाई कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, कॉपर ये जो वायर लगा हुआ ये कॉपर का है, ठीक है, सी यू कॉपर का, और सेम एक बल्ब लगा दिया जाए और बैटरी लगाई जाए, फिर से वैसे ही बैटरी लगाई जाए पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये जो बैटरी का जो सेल है ये 2 वोल्ट का है और इधर भी 2 वोल्ट का है, यहां पे जो एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कॉपर की जगह पर आयन कर दूं मैं, आयन, ठीक है, या फेरम जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल लैंग्वेज में, तो ये आयन ले लिया जाए, वोल्ट सेम है
तो वोल्ट जब सेम होगा तो करंट सेम होना चाहिए, उसके मतलब जो दोनों का ब्राइट है ब्राइटनेस वो सेम होना चाहिए। लेकिन बेटा आप देखोगे कि जो कॉपर से जो बल्ब जुड़ा हुआ है उसका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, और जो आयरन से जो बल्ब जुड़ा हुआ है उसका जो ब्राइटनेस है वो कम है। फिर ये क्या हो गया, ये कौन सा जादू? सवाल है, ये कौन सा जादू हो गया? फिर वोल्ट आप ही ने बोला सर, जब वोल्ट बढ़ाओगे जितना वोल्ट होगा उसके हिसाब से करंट भी होगा, तो वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, सही बात है। तो दोनों का वोल्ट सेम है तो करंट सेम होना चाहिए, और जब करंट सेम होगा बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी सेम होगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी सेम होगा तो ब्राइटनेस भी सेम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जो कॉपर से वायर, जो कॉपर वायर से जुड़ा था वो ज्यादा ब्राइट हुआ, ये मोर ब्राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेस ब्राइट। तो ये लेस ब्राइट क्यों हुआ, उसके मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कुछ लॉस हो गई, कुछ रुकावट हुई इलेक्ट्रिसिटी का। तो आयरन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा रुकावट हुई और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रुकावट कम हुई आयरन के कंपेयर में। उसके मतलब वोल्ट बढ़ाने से सिर्फ करंट नहीं बढ़ता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज नथिंग बट, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे एक कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज नथिंग बट आई इंटू आर, एंड आर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रुकावट हुई है उसके वजह से ये जो यहां का बल्ब था जो आयरन से जुड़ा हुआ था उसका ब्राइटनेस कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यानी रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि रेजिस्टेंस से क्या होगा, जब कभी भी रेजिस्टेंस से आपको यह समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो चलने के लिए अपोज करे, इलेक्ट्रॉन को चलने ना दे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं बेटा। और आई मतलब करंट होता है, वी मतलब पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस आयरन के अंदर ज्यादा था कंपेयर टू कॉपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाया होगा इतना तेजी से, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा तो करंट कम हो जाएगी, इसकी वजह से लेस ब्राइट हुआ था। तो यहां पे एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस, तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है भाई। अभी मैं सब फॉर्मूला पूरा बताऊंगा, इसका पूरा फॉर्मूला पूरा बताता हूं मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स की जगह पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर्मूला इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होगा, ये पूरी बात समझोगे तभी खत्म होगा। मैंने तो आपको ये क्या किया, एक टर्म्स बताया कि इसको आपको समझना होगा। टर्म समझ में नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। टर्म्स मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मालूम हो गया। मैथमेटिकली पूरा बताएंगे, मैथमेटिकली मैथमेटिकल टर्म्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी अभी देख लेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें हैं इफेक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं उसको हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी भाई, ठीक है। अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे वायर के लेंथ को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा दूर तक करंट को फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा तो थक जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, समझ में आया। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई टेम्परेचर से क्या फर्क होगा, मटेरियल से क्या फर्क होता है, थिकनेस अगर बढ़ाया जाए तो उसका क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें आप अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जस्ट एक बार हम लोग क्या काम करते हैं, इसको डिनोट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।